और दोस्तों आपका स्वागत है बड़े चैनल पर। चैनल पर टेक की बात बड़ी करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। एक वीवो नेक्स है ऐसी कुछ कंपनी जिसने अंडर डिस्प्ले वाला कैमरा लॉन्च कर दिया है, जो डेवलपमेंट कर चुकी है। अब वो ऐसा कहा जा रहा है कि जो शाओमी के जो पहले मी नोट वाले जो फोन उसमें वो देखने को मिल सकते हैं। विजन नॉक्स ऐसी कुछ कंपनी जिसने एक अंडर डिस्प्ले वाला कैमरा जो उसके डेवलपमेंट पूरी कंप्लीट कर चुकी है। दूसरी टेक्नोलॉजी मोटोरोला वन की तरफ से मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस एक फोन आने वाला है, जो ऐसा कहा जा रहा है उसमें आपको बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा देखने को मिल सकता है और साथ ही पूरी फुल स्क्रीन डिस्प्ले रहेंगे। साथ ही उसमें आपको पॉप वाला कैमरा देखने को मिल सकता है। जो ये फोन रहेगा वैसा कहा जा रहा है कि कुछ 15,000 से 20,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। तीसरी टेक्नोलॉजी आ रही है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस जो जेड से लॉन्च होने वाला था, बजट प्राइस वाला लॉन्च होने वाला था, उसकी कुछ पूरी स्पेसिफिकेशन लिख चुकी है। इसमें आपको बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा देखने को मिल सकता है, फ्रंट की तरफ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कैमरा देखने को मिल सकता है और साथ ही बहुत अलग अलग फीचर के साथ ही फोन लॉन्च होंगे। इसमें आपको जो प्राइस भी इसकी लीक हो चुकी है, प्राइस कुछ 25,000 के बीच में देखने को मिल सकती है। इसमें आपको 760 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, 760 वाला जो 5G प्रोसेसर है। और चौथी टेक्नोलॉजी मोटर वन प्लस की तरफ से, वन प्लस का एक अफोर्डेबल वाला मतलब 20,000 से 30,000 के बीच में जो प्राइस है, इसमें कुछ एक स्मार्ट टीवी लॉन्च होंगी जो अफोर्डेबल मतलब बजट प्राइस का देखने को मिल सकता है, जो कुछ जो जुलाई को लॉन्च होने वाले हैं। और जो चौथी टेक्नोलॉजी आ रही है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो ने भी ऐसा कंफर्म कर दिया कि उनका एक स्मार्ट टीवी लॉन्च होगा जो मतलब इस ईयर के क्रिसमस तक मतलब जो नया साल होता है क्रिसमस उस समय तक देखने को मिल सकता है ये वन प्लस का स्मार्ट टीवी। और बहुत बेहतर उसके साथ बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट भी लॉन्च हो जाएंगे। और जो छठी टेक्नोलॉजी रियलमी की तरफ से, रियलमी ने एक नया फोन सर्टिफाई कर दिया जापान में कुछ अलग नाम से। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अलग कुछ फोन रहेगा, मतलब ऐसा कहा जाए कि यहाँ का जो फोन होगा रियलमी X3 नाम का हो सकता है और कुछ अलग फोन होगा उसमें कुछ अलग अलग फीचर दिए जाएंगे और वो फोन देखने को मिल सकता है। थैंक यू, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना।